हाथरस के एसपी ने बड़ा बयान दिया। जी न्यूज से बोले हाथरस के एसपी की सियासी फंडिंग की भी जांच होगी। मनी ट्रेल की जांच भी लगातार की जा रही है, संपत्तियों की जांच भी लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट है। अब इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जांच लगातार तेज हो चुकी है, वित्तीय फ्रंट पर जांच की जा रही है। जी न्यूज से हाथरस के एसपी ने बयान दिया कि अब सियासी फंडिंग जो की गई उसकी जांच होगी। पूरा जो मनी ट्रेल है, कितना पैसा आया, कहां से आया, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, ये बात जांच की जाएगी। और साथ ही साथ आश्रम के नाम पर या बाबा के नाम पर या सेवादारों के नाम पर जितनी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों की जांच भी की जाएगी। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हाथरस के एसपी निपुण जी, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और कहां से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, हमने इस घटना में 6 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था और इसमें कल और आज को मिला के 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया, जिसमें जो मुख्य आयोजक था उसको गिरफ्तार करा है हमने, इसको दिल्ली से गिरफ्तार करा गया और बाकी 2 लोगों को हमने लोकल हाथरस से गिरफ्तार करा है। जाँच में अब तक क्या क्या सामने आया है, उनके बैंक अकाउंट डाटा खींच के? देखिए, इनके सबके बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं और इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स को भी चेक करा जा रहा है। इनका किसी भी अगर राजनीतिक दल से कोई भी इनका संबंध है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर इनके फंडिंग में कोई ट्रेल निकल कर आता है, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनका समारोह है कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल दल द्वारा फंडिंग हो रही है, पोषित किया जा रहा है। जी न्यूज़।